हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हेल की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्ट डिवीजन नासिक की ओर से नॉन एग्जीक्यूटिव कैटर के अंदर ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जिन कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा या ITI की क्वालिफिकेशन है या अप्रेंटिस के क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों रिक्रूटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। 4 साल के लिए शुरुआती तौर पर यहाँ पे कैंडिडेट को रखा जाएगा। इसका अप्लीकेशन फॉर्म है वो 30 जून 2024 तक कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, वो कैंडिडेट इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना अप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि वीडियो के माध्यम से आपका जानकारी मुफ्त करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे भी लगातार अपडेट आप। दोस्तों यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलते हैं, उसके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब साइट को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक की ओर से यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे वैकेंसीज है वो 4 साल के लिए यहाँ पे निकाली गई वैकेंसीज, आप देख सकते हो। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 58-58 की निकाली गई, जिसमें ऑपरेटर सिविल जो कि D6 में आएंगे, ट्रेड सिविल है इसकी 2 वैकेंसी है, ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल की 14 वैकेंसी है, ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स की 6 वैकेंसी है, ऑपरेटर मैकेनिकल की 6 वैकेंसी है, ऑपरेटर फिटर जो कि C5 पे आएंगे, क्योंकि ये C5 और D6 इसलिए दे रखा है कि सैलरी इसमें अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। ऑपरेटर फिटर की 26 वैकेंसी निकाली गई, ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक यहाँ पे 4 वैकेंसी है निकाली गई। कैटेगरी वाइज यहाँ पे ब्रेकअप भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑपरेटर सिविल के पास डिप्लोमा होना जरूरी है सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल में कैंडिडेट के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिप्लोमा होना जरूरी है, ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है, ऑपरेटर मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है, ऑपरेटर फिटर में कैंडिडेट 10+ NTC यानी ITI पास आउट के साथ साथ NSC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है फिटर ट्रेड का, तो वो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में कैंडिडेट 10+ ITI या कैंडिडेट के पास NSC सर्टिफिकेट होना जरूरी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में क्वालिफाइंग जो एग्जाम है वो NSC एंड CUET की यहाँ पे होनी जरूरी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट के लिए 60% है, SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 50% मार्क्स यहाँ पे होने जरूरी है। मैक्सिमम एज यहाँ पे 28 वर्ष रखी रखी गई, जिसकी कट ऑफ डेट है 25/5/2024। यहाँ पे SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट है वो दी जाएगी। रिमुनरेशन की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट को तो D6 में जो आते हैं उनको 23,000 बेसिक पे प्लस जो अदर अलाउंस है वो दिए जाएंगे, और C5 में आते हैं उनको 22,000 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे, डिप्लोमा होल्डर्स को यहाँ पे दिए जाएंगे 23,000 रुपये और जो ITI होल्डर्स को 22,000 रुपये। इसके अलावा यहाँ पे जो DA है, कन्वेंस अलाउंस, कैंटीन अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, मैगजीन अलाउंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस है और जो पर्क वगैरह है वो भी यहाँ पे कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत कुछ कैंडिडेट को मिलने वाला, 3% इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। अब टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट तो 4 साल के लिए यहाँ पे शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को रखा जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को शुरुआती तौर पर नासिक डिवीजन में पोस्टिंग दी जाएगी, जिसके बाद कैंडिडेट का जो अदर डिवीजन ऑफिस है उसमें भी यहाँ पे ट्रांसफर किया जा सकता है। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट के आधार पे किया जाएगा, जिसमें SC ST के कैंडिडेट को 50% और जो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम है वो लिया जाएगा, जिसमें भी मिनिमम कट ऑफ मार्क्स कैंडिडेट को प्राप्त करना जरूरी है, जिसकी जानकारी कैंडिडेट को ईमेल के जरिए दे दी जाएगी। ये है नासिक में हेल्ड किया जाएगा, इससे संबंधित जानकारी www.hcl-india.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। रिटन टेस्ट है उसका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे रहेगा, जिसके टोटल 3 पार्ट होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले इसमें क्वेश्चन आएंगे। पार्ट फर्स्ट में 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, पार्ट सेकंड में 40 क्वेश्चन इंग्लिश एंड रीजनिंग के, और पार्ट थर्ड उसमें 100 क्वेश्चन वो आपके कंसर्न डिसिप्लिन से संबंधित होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रखी गई है। अब कैंडिडेट इसके लिए एडमिट कार्ड के साथ साथ अपनी वैलिड फोटो आइडेंटिटी वो यहाँ पे प्राप्त लेना
जरूरी है, यहाँ पे 50% मिनिमम है मार्क्स है वो जरूरी है रिटन टेस्ट में प्राप्त करना, जिसमें 10% की छूट दी जाएगी एससी एसटी जो फिजिकल डिसेबल पर्सन जो कैंडिडेट है उनको, कैंडिडेट का प्री एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन से वो किया जाएगा मेडिकल फिट होने के बाद में कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा। ओनली इंडियन नेशनल से इसमें अप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। एज और जो एक्सपीरियंस काउंटिंग है 25/5/2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पे की जाएगी। अब जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम्प्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसका अपना अप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कैंडिडेट अप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट पे जाके आप है इसके जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिए हैं उस पर जाके आप अप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी है आपको इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी, चाहे वो कोरिकेंडम हो या अडेंडम हो कोई भी हो। उसके एक्टिविटीज की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट 18/6/2024 को रिलीज हुआ है, लास्ट डेट है एप्लीकेशन रिसीव करने की 30/6/2024 और जो रिटर्न टेस्ट की जो डेट है वो 14/7/2024 है वो रखी गई है। तो सारी जानकारी दोस्तों मैंने आपको दे दी है, बाकी आप इस नोटिफिकेशन को एक बार केयरफुली रीड आउट कर ले, उसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से रिक्रूटमेंट निकाली गई है, लेकिन कैंडिडेट को एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल जाएगा गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज में काम करने का। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना, धन्यवाद।